हमारे साथ एक कपल बैठा हुआ है, इनका एज गैप बहुत ज्यादा है। सुहेब की उम्र 23 साल है और हमारी भाभी की उम्र 38 साल है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। जब मेरे फर्स्ट टाइम घर पे आई थी, मैं 1 क्लास में था और तब ये मैट्रिक में थी। मैंने इनको प्रपोज किया तो इन्होंने कहा कि तुम तो अभी छोटे हो। तो फिर पूरा एक साल इनके मिनते तरले करता रहा कि यार नहीं, मैं तुमसे सीरियस हूँ, मैं करना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। 5 साल रिलेशन भी रहा है ना, तो उसमें भी इसकी यही बात थी कि मैंने शादी ही तुमसे करनी है। जो मियां बीवी उनमें अक्सर लड़ाई तो हो जाती है, तो जुहेब कभी आपसे लड़ रहे हो तो आपने उन्हें कहा नहीं कि बड़ों से बदतमीजी नहीं करते? कभी आपने जुहेब को बच्चा समझ के डांटा तो नहीं? बहुत दफा। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर ख़ान। आज हम बड़ी अच्छी स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारे साथ एक कपल बैठा हुआ है जिसकी लव स्टोरी बड़ी मुनफरिद है। लैला मजनू हो, हीर रांझा हो, उनकी कहानी क्या होगी? हमारे साथ जुहेब और उनकी अहलिया मौजूद हैं। इनकी उम्र में 15 साल का एज डिफरेंस है। जुहेब की उम्र 23 साल है और हमारी भाभी की उम्र 38 साल है। इनसे पूछते हैं इनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई और अब इनकी लव स्टोरी कैसे चल रही है। हम जुहेब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जुहेब यार कौन सी माँ बाप की नाफरमानी की थी जो आपको ये सजा मिली है? मैं स्टडी के मामले में थोड़ा कमज़ोर था तो लड़कियों के मामले में ज़रा आगे था, तो इसलिए। जुहेब ये बताइएगा कि लव स्टोरी कैसे शुरू हुई और आप किस क्लास में थे जब आपने पहली बार भाभी को देखा था? एक्चुअली मैं गाँव में रहता था तो ये फर्स्ट टाइम मेरे घर पर आई थी। तो जब मेरे फर्स्ट टाइम घर पर आई थी, मैं 1 क्लास में था और तब ये मैट्रिक में थी। तो मैंने इनको देखा और मैंने अपनी खाला को जाके बताया कि यार मैंने उस लड़के से शादी करनी है। तो वो तो एक दफ़ा हंसने लगी ना, मतलब कि एक दफ़ा हंसने लगी कि यार तुम इतने छोटे हो और उसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो। हालांकि मुझे ये भी नहीं पता था कि ये मेरी कज़न है या क्या लगती है क्या नहीं। मैंने सिर्फ देखा और अपने खाला को जाके बता दिया कि यार मैंने उससे शादी करनी है। तो उसके बाद मैं, हाँ ये सच, लव स्टोरी कैसे शुरू हुई भाभी को कि मैसेज किए थे हाई ड्यूड हाई गर्ल कहीं जी? मैं बताता हूँ आपको, जब मैं नाइन्थ क्लास मैंने न्यू ज्वाइन की थी तो मैं इनके पास लाहौर, मतलब गर्मियों की छुट्टी थी, मुझे गर्मियों की छुट्टी हुई तो मैं इधर लाहौर में आया इनके पास। तो इनके साथ तब भी मेरा मतलब रिलेशन स्टार्ट हुआ। मैं एक पहला दिन तो मेरा इनके साथ ही गुजरा था, सारा सैर सपटा किया, बाहर घूमे फिरे, मतलब सारे थे हम पूरा खान, मतलब पूरी फैमिली बाहर गए हुए थे। तो इसके साथ मैं ज़्यादा अटैच हुआ था और तभी मतलब रात के टाइम मैंने इनको प्रपोज़ किया तो इन्होंने कहा कि तुम तो अभी छोटे हो तो तुम ये हो। फिर पूरा एक साल इनके मिनते तरले करता रहा कि यार नहीं, मैं तुमसे सीरियस हूँ, मैं करना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो काफ़ी मतलब एक साल के बाद जाके इन्हें थोड़ा रिलीज़ हुआ कि यार वाकई वो मेरे साथ सीरियस है। खैर जब ये मेरे साथ सीरियस होता तो तब थोड़ा सा मैं पीछे हो गया हूँ। तो उसके बाद फिर जब मैं पीछे, मतलब इसे भी एहसास हुआ मेरा, मुझे तो ऑलरेडी था, फिर इसको इसके दिल में मतलब मेरे लिए फीलिंग वो पैदा हुई कि यार वाकई वो अगर मेरे साथ सीरियस है तो मैं भी इसके साथ सीरियस हो जाऊँ। अब फिर 4 से 5 साल तक हमारा रिलेशन चलता रहा। जुहेब हमें बता रहे थे कि वो 1 क्लास में जब थे तो भाभी हमारी मैट्रिक में थी। इनसे पूछते हैं कि यार आप तो पैदा ही लगते आशिक हुए थे या भाभी के इश्क में मुबतला हो गए थे उस उम्र में, ये भी बताइएगा। हाँ कुछ ऐसे ही था, मुझे भी ऐसा लगता कि मैं जैसे आशिक पैदा हुआ हूँ। तो बस हो गया फिर, मतलब फर्स्ट टाइम देखा तो मतलब ये अल्लाह की करनी थी, तो अल्लाह की करनी थी ये हो गया। और आज माशाल्लाह मेरा 2 साल का एक बेटा है और बाकी अच्छी लाइफ चल रही है हमारी, ठीक है। नाज़रीन हम भाभी से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाभी आप ये बताइएगा कि जब आप जुहेब से शादी कर रही थी तो आपके दिल में नहीं आया यार मैं किस बच्चे के साथ शादी करने लगी हूं? नहीं, इससे यकीन इतना दिल बांध दिया था ना कि मुझे ये फील ही नहीं हुआ कि इसकी, अगर 5 साल रिलेशन भी रहा है ना तो उसमें भी इसकी यही बात थी कि मैंने शादी ही तुमसे करनी है शादी। तो कभी भी मुझे ना ऐसा नहीं फील हुआ। शादी के बाद आपको सबसे मज़ा कब आया था? शादी के बाद सबसे ज़्यादा मज़ा, हम इसके फ्रेंड के घर गए थे तो वहाँ बहुत ज़्यादा इन्जॉय हुआ और बहुत मज़ा आया। उन्होंने हमें बुलाया था दावत पे, वो आउट ऑफ सिटी था तो बहुत अच्छा, हमारा ट्रैवल भी बहुत अच्छा था। तो भाभी कभी आपने जुहेब को बच्चा समझ के डांटा तो नहीं? बहुत दफा। और मैं टीचर भी हूँ तो इसलिए भी ना मेरी यानी कि नेचर इसी तरह की है कि मैं अगर कोई बात भी कर रही हूँ ना तो इसी तरह लग रहा है कि वो कह देता है कि आप तो लगता है कि डांट रही हो ना। तो मैंने कहा कि अब तुम ये भी सोच लिया करो ना कि मैं बड़ी भी हूँ तो चलो डांट भी है, लेकिन ये है कि वो प्यारी है, तुम गुस्सा ना किया करो। अच्छा जुहेब आपको कभी भाभी से जोजा माजदा वाली फील तो नहीं आई?
कभी कभी जो मियां बीवी उनमें अक्सर लड़ाई तो हो जाती है, तो जुहेब कभी आपसे लड़ रहे हो तो आपने उन्हें कहा नहीं कि बड़ों से बदतमीजी नहीं करते? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो मैं अक्सर कह देती हूँ कि सुहेब ये तो सोच लो ना कि उसका नाम है, मैं बड़ी हूँ। अच्छा सुहेब, जो आजकल के लड़के हैं वो लड़कियों से वादे तो बड़े करते हैं शादियों के कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगा, जब आपने सोचा था कि भाभी से शादी करनी है तो फैमिली में लोगों ने ना की थी या नहीं? काफ़ी लोग थे वो कहते थे यार इनका सूटेबल नहीं बनता आपस में, मतलब एक दूसरे के साथ इनकी जोड़ी जमती नहीं है, लेकिन मैंने कहा मैं जमा के दिखाऊंगा और मैंने जमाई है और इसलिए तो मेरा बेटा 2 साल। अच्छा सुहेब, ऐसा है कि जब माँ बाप नहीं मानते तो जो लड़की लड़का हैं, जाहिर बात है यंग हों जवान थे आप, तो आपने कोर्ट मैरिज की या अरेंज मैरिज ही करने का सोचा? नहीं, अरेंज मैरिज हुई हमारी। अरेंज मैरिज क्या, खैर लव मैरिज हुई है ये। नहीं, मैंने कहा बस निकाह हो जाए, शादी करो या ना, धूमधाम करो या ना करो, मुझे उससे कोई गिला नहीं, बस ये लड़की मेरे घर पर आ जाए जल्दी से, मेरी वाइफ बन गई। भाभी, जब आप शादी कर रही थी तो आपके जहन में नहीं आया था, ये तो मेरा छोटे भाइयों की उम्र का है, लेकिन आपके जहन में क्या आया कि आपने कहा चल यार अब अपनी जो जिंदगी है वो जुहेब के नाम कर दी जाए? मुझे शायद इसकी ये सिंसियरिटी अच्छी लगी ना कि देखें इतना सिंसियर है और फिर ना घर पे भी यही बात है और ना इतने वादे किए, फिर मेरी अम्मी से प्रॉपर फ़ोन पर बात करनी तो इतना यकीन दिलाना कि जो मर्ज़ी लिखवा लें मुझसे जो मर्ज़ी, लेकिन ना शादी मेरी इसी से होने दे। अम्मी ने कहा कि मैं फ़लाँ कज़न से करवा देती हूँ, कहती नहीं मैंने इसी से ही करवानी है। मतलब सच्चा प्यार अपनी तकमील को पहुँच ही गया। इतनी कम उम्र में लड़कों को वैसे प्यार तो नहीं होता, अगर होता भी है कभी एक लड़की से, कभी दूसरी से, कभी तीसरी से, लेकिन जुहेब ने सोच लिया था कि मैंने शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है, इसलिए जुहेब ने जो अपनी ज़िंदगी है वो निभाने की कोशिश की, अपनी शादी को पूरा किया। माँ बाप आए बीच में, उनको ये चीज़ नापसंद थी, लेकिन जुहेब ने एक ऐसी मिसाल कायम किया मेरे ख्याल से वो आजकल के जो यंग लड़कियाँ लड़के हैं ना उनके लिए बड़ी कमाल चीज़ है। लड़कियाँ लड़के धोखा देते हैं, ड्रामेबाजियाँ करते हैं, एक दूसरे के साथ पार्टी शार्टी करके भाग भूग जाते हैं, और जुहेब ने शादी की, निकाह किया और भाभी के साथ आज बड़ी खुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक्चुअली बात ये है ना कि 1 क्लास में जब मैं था तो जब मैंने इनको देखा, इश्क तो इनके लिए पैदा हो चुका हुआ था मेरा तब भी, लेकिन प्रपोज जो है मैंने सिर्फ अभी खाला को बताया था अपनी, कोई खाला मैंने उसके साथ शादी करनी है, तो उसके बाद 9th क्लास में जब मैं छुट्टियाँ काटने इनके पास आया तो तब मैंने इसको मौका दे के ना प्रपोज कर दिया। तो उसके वैसे इसके अलावा एक 36 लड़कियाँ मेरी लाइफ में आ चुकी अभी आपको इससे कोई गिला तो नहीं? नहीं नहीं कोई गिला नहीं लेकिन जो रियल लव है वो मेरा इसी के साथ था। अच्छा जुहेब, अब आपको भाभी के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करना होगा। करूंगा, जरूर करूंगा। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब हो के। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। टिकटॉक का ज़माना है, लोग टिकटॉक के शिदाई हुए हुए हैं, तो जुहेब से पूछते हैं कि जुहेब यार आप टिकटॉक पे मौजूद हो या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है इस वीडियो के बाद लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं टिकटॉक के ऊपर मौजूद हूँ और मेरी आईडी जुहेब सफ़ी @ के नाम से है, ZOHAIB SAFI @ के नाम से, और आप मुझे लोग वहाँ पर आके फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और आप लोग इंजॉय करेंगे मेरी वीडियोस को देख के इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, भाभी और सुहेब की बड़ी अच्छी स्टोरी आज आपने सुनी। 15 साल के एज डिफरेंस के बावजूद इन्होंने लाजवाल मोहब्बत कायम रखी हुई है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, शादी पे पूरा नहीं उतरते, लेकिन ये वो कपल है जिसने आज 21वीं सदी में भी एक अजीम मिसाल कायम की हुई है। अल्लाह ताला इन्हें खुशोखुर्रम रखे। इनका माशाल्लाह 2 साल का बेटा भी है और बड़ा खूबसूरत है। जुहेब और भाभी हमारे वैसे ही बड़े खूबसूरत हैं, तो हम कोशिश करेंगे ऐसी मजीद वीडियोस आप तक लेके आते रहें। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।